इटर्नल्स को आखिर सेलेस्टियल अरिशेम कहाँ ले गया? स्टीवन ग्रांट की थर्ड पर्सनालिटी जेक लॉकली का फ्यूचर कहाँ दिखेगा? शैंगची की 10 रिंग्स के सिग्नल का क्या हुआ? ये और ऐसे ही 20 से भी ज्यादा पोस्ट क्रेडिट सीन्स अभी भी एमसीयू में अनआंसर्ड है। पोस्ट क्रेडिट सीन्स एमसीयू का यूएसपी रहा है एंड इनिशियली तो हर पोस्ट क्रेडिट सीन को नेक्स्ट मूवी में ही एक्सप्लेन कर दिया जाता रहा है, लेकिन अब एमसीयू इतना लार्ज हो चुका है क्योंकि मल्टीवर्स की, अब पोस्ट क्रेडिट्स तो क्या, मूवीज की एंडिंग्स भी बीच में ही लटकी छोड़ दी जाती है। एमसीयू का फेज 4 जहां से द मल्टीवर्स सागा की शुरुआत बात हुई, इसे इनिशियली जितना प्यार मिला बाद में उतनी मार भी मिली, लेकिन इस सब के बीच एक लार्जर स्टोरी कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए बहुत सारे ऐसे पोस्ट क्रेडिट सीन्स एंड एंडिंग्स हुई जिनका कंक्लूजन हमें अभी तक मिला ही नहीं है। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है एमसीयू फेज 4 के वो सभी पोस्ट क्रेडिट्स एंड एंडिंग्स जिनका कंक्लूजन अभी भी पेंडिंग है और कौन से प्रोजेक्ट्स में ये कंप्लीट होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। फेज 4 का फर्स्ट प्रोजेक्ट था वांडा विजन, जहां से दो पेंडिंग पोस्ट क्रेडिट सीन्स रहते हैं। फर्स्ट आता है व्हाइट विजन, जिसे गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था विजन की डेड बॉडी और वांडा के मैजिक को यूज करके, एंड ऑल्दो इसकी कंप्लीट पावर्स देखने हमें नहीं मिली, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत फाइट में देखने मिला उससे क्लियर है कि इसके पास ओरिजिनल विजन जितनी ही पावर्स हैं। लेकिन क्लाइमैक्स से ठीक पहले जब व्हाइट विजन का सामना हुआ ओरिजिनल विजन से, जिसे वांडा ने क्रिएट किया था अपने मैजिक से, तब उसके थ्रू उसने विजन की पूरी मेमोरीज गेन कर ली एंड वो उस लोकेशन से निकल गया कहीं दूर। अब रूमर्स से हम ऑलरेडी जानते हैं कि व्हाइट विजन की आगे की स्टोरी हमें डिज्नी प्लस शो विजन्स क्वेस्ट में देखने मिलेगी, बट फिलहाल के लिए इस शो के बारे में और डिटेल्स अवेलेबल ही नहीं है। सेकंड कैरेक्टर है मोनिका रैम्ब्यू, जिसे उसकी पावर्स मिली थी वांडा के मैजिक की वजह से ही, और एंडिंग में उसे एक स्क्रल रिक्रूट करके ले गई स्पेस की तरफ, जहां पे हम ये अज्यूम करते रहे कि वो उसे कैप्टन मार्वल के पास लेके जा रही है या फिर निक फ्यूरी के पास। बट अब क्योंकि द मार्वल्स का ट्रेलर ऑलरेडी आ चुका है जहां पे मोनिका रैम्ब्यू हमें फिर से दिखेगी, तो उस एंड क्रेडिट्स के 3 साल बाद द मार्वल्स में ही मोनिका रैम्ब्यू अपने सुपर हीरो फॉर्म में हमें दिखेगी, जहां पर इस पोस्ट क्रेडिट का कंक्लूजन मिलेगा। अब सेकंड नंबर पे आते हैं द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। इस इकलौते डिज्नी प्लस शो से कम 5 कैरेक्टर्स की स्टोरी लाइन पेंडिंग पड़ी है एंड ये सभी लिंक करते हुए हमें दिखेंगे फेज 5 की मूवी थंडरबोल्ट्स में। सबसे पहले आता है यूएस एजेंट, गवर्नमेंट का ट्राइड एंड फेल्ड एक्सपेरिमेंट एज कैप्टन अमेरिका, यानी कि बेइज्जत हुआ जॉन वॉकर, जो एंडिंग में मिलता है इस मिस्टीरियस कैरेक्टर वेलेंटिना एलेग्रा से और पहनता है एक नया सूट जहां वो उसे न्यू नाम देती है यूएस एजेंट। इसके अलावा ऑफकोर्स वेलेंटिना एलेग्रा, जिसकी एंट्री इसी शो से हुई थी, लेकिन बाद में हम उसे ब्लैक विडो और फिर ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में भी केमियोज में देख चुके हैं, जहां ये क्लियर हुआ था कि वो बन चुकी है CIA की हेड। अब इस मिस्टीरियस लेडी का बिग बैड प्लान क्या है, वो भी हमें देखने मिलेगा थंडरबोल्ट्स में ही। नेक्स्ट नंबर पे आती है सभी ब्लैक विडोज और टास्क मास्टर। अब ऑफ कोर्स वो फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का पार्ट नहीं थे, बल्कि फेज 4 की फर्स्ट मूवी ब्लैक विडो का पार्ट थे, जहां पर मूवी के एंडिंग में रेड रूम डिस्ट्रॉय करके सभी ब्लैक विडोज को उनके माइंड कंट्रोल से फ्री कर दिया गया था। यहीं पे येलेना बाकी ब्लैक विडोज और टास्क मास्टर को अपने साथ ले गई थी बाकी दुनिया की विडोज को फ्री कराने। अब इसके आगे की येलेना की स्टोरी हॉकाई सीरीज में दिखी जरूर, बट मेन प्लॉट हमें अगेन पता चलेगा थंडरबोल्ट से ही, यानी कि यूएस एजेंट जॉन वॉकर, न्यू ब्लैक विडो येलेना बेलोवा एंड वेलेंटिना एलेग्रा तीनों की कहानी टाइप होगी थंडरबोल्ट्स मूवी में। अब थंडरबोल्ट्स की ये सुपर टीम एक तरह से एंटी एवेंजर्स टीम दिखेगी, जिस तरह से डीसी कॉमिक्स में सुसाइड स्क्वाड है उसी तरह का कुछ। ऑल्दो कॉमिक्स में तो ये टोटली विलन्स की टीम रही है, लेकिन एमसीयू में क्योंकि यहां पर कुछ अच्छे कैरेक्टर्स भी इंक्लूडेड है, तो स्टोरी लाइन थोड़ी चेंज करके हमें एक एंटी हीरोज की टीम ही देखने मिलेगी। लेकिन द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की पेंडिंग डिटेल्स यहां खत्म नहीं होती। यहां पे देखिए और भी कुछ कैरेक्टर्स है जो थंडरबोल्ट्स के अलावा एक और मूवी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में दिखेंगे। अब इनमें ऑफ कोर्स न्यू कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन और न्यू फाल्कन, जिसे हमने सैम विल्सन के असिस्टेंट के रूप में देखा था, वो दोनों वापसी करेंगे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से। तो वहीं शो की एंडिंग में शैरन कार्टर, जिसे कैप्टन अमेरिका की वजह से गवर्नमेंट में उसका सीक्रेट एजेंट वाला जॉब वापस मिला था, वो सभी को डबल क्रॉस करते हुए निकली पावर ब्रोकर, जिसके पास अब अपने क्रिमिनल फ्रेंड्स को बैकअप करने के लिए डायरेक्ट एक्सेस है यूएस गवर्नमेंट का। इस शैरन कार्टर की कहानी भी कंटिन्यू होती हुई दिखेगी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। थर्ड नंबर पे आता है लोकी का सीजन 1, जिसमें ऑफ कोर्स बहुत सारी पेंडिंग चीजें अभी भी बाकी है, स्पेशली एंडिंग में ही हु रिमेंस को सिल्वी के मारने के बाद जब लोकी वापस टीवीए में पहुंचा, तो वहां पर इतना केओस क्यों है और ये रियलिटी कौन सी है जहां पर अब लोकी पहुंच चुका है, क्योंकि यहां पर टाइम कीपर्स के स्टैचूज की जगह अब दिख रहा है कैंग का स्टैचू। इसकी थोड़ी सी कंटिन्यूटी हमें दिखाई गई थी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में। अब लोकी के सीजन 2 का ट्रेलर ऑलरेडी आ चुका है, जिसका ब्रेकडाउन भी मैं कर चुका हूं, और अगर आपने नहीं देखा तो कार्ड से वो जरूर चेकआउट कर लेना। बट 6 अक्टूबर को सीजन 1 के रह गए सभी पेंडिंग क्वेश्चंस आंसर होने शुरू हो जाएंगे लोकी के सीजन 2 के साथ।
फोर्थ नंबर पे आता है व्हाट इफ सीरीज, जिसका सीजन 1 काफी इंटरेस्टिंग था और बहुत सारे व्हाट इफ सिनेरियोज हमें यहाँ देखने मिले। एंड अगर यहाँ से कोई एक पेंडिंग चीज जिसका आंसर मैं पता करना चाहूंगा तो वो है हाइड्रा स्टॉम्पर का अपीयरेंस। सीजन 1 के सभी एपिसोड्स इंडिविजुअल रहे, लेकिन लास्ट के 3 एपिसोड्स कंबाइन करते दिखे गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स को। एंड इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के साथ फाइनल बैटल के बाद जब कैप्टन कार्टर अपने यूनिवर्स में वापस आई तो उसे मिला एक कंटेनर जिसके अंदर कैद था हाइड्रा स्टॉम्पर। एंड हिंटेड यही है कि स्टीव रॉजर्स इसके अंदर अभी भी जिंदा है। एंड रूमर्स के हिसाब से सीजन 2 के एक एपिसोड का नाम है व्हाट इफ कैप्टन कार्टर फॉट हाइड्रा स्टॉम्पर। तो सीजन 1 के इस पेंडिंग पोस्ट क्रेडिट का आंसर हमें मिलेगा सीजन 2 में, जो मोस्ट प्रोबेबली रिलीज होगा अगले साल। फिफ्थ नंबर पे है शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स, जहाँ से 3 पेंडिंग क्वेश्चंस अभी भी बाकी है। सबसे पहले आती है जिया लिंग, जिसे एंड में दिखाया गया था 10 रिंग ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर करते हुए, जिसमें उसका साथ देते दिखा था रेजर फिस्ट और जॉन जॉन। यानी कि एमसीयू में 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, बट इनका काम क्या होगा वो अभी तक क्लियर नहीं है। इसके साथ ही सेकंड कैरेक्टर जो हमें यहाँ देखने मिला वो है अबोमिनेशन, जिसे हमने फाइट करते देखा वोंग के साथ, जो बाद में हमें एक और डिज्नी प्लस शो शी हल्क अटर्नी एट लॉ में भी दिखा, जो एंड में चला गया था वोंग के साथ कमरताज। अब ये क्लियर नहीं है कि अबोमिनेशन हमें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में दिखेगा या फिर थंडरबोल्ट्स में। लेकिन शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां पर वोंग दिखाता है इन 10 रिंग्स पे रिसर्च करते हुए, एंड कैप्टन मार्वल और ब्रूस बैनर के सामने ये रिवील हुआ कि वो 10 रिंग्स सिग्नल भेज रही है स्पेस में कहीं। अब इन रिंग्स का कनेक्शन अगर कैंग के साथ दिखाया जाता है तो इस पेंडिंग पोस्ट क्रेडिट सीन की डिटेल हमें पता चल सकती है अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में। लेकिन अगर ऐसा नहीं दिखाया जाता तो ये हमें जल्दी पता लग जाएगा शैंग-ची के सेकंड पार्ट में, जो मोस्ट प्रोबेबली फेज 6 में ही रिलीज होगी। नेक्स्ट नंबर पे आती है इटर्नल्स मूवी, जहाँ एक ऐसी एंडिंग हुई जो काफी कंफ्यूजिंग थी। क्लाइमैक्स में एक सेलेस्टियल के बर्थ को रोक के उसे मार के इटर्नल्स ने पंगा ले लिया अरिशम के साथ, जो एंड में आकर अर्थ पे मौजूद तीनों इटर्नल्स सर्सी किंगो और फेस्टोस को अपने साथ ले गया उन्हें जज करने। तो वहीं दूसरी तरफ बाकी बचे इटर्नल्स मक्करी ड्रुइग और थेना अपनी स्पेसशिप में दिखे स्पेस में उन्हें ढूंढते हुए, जहाँ उनसे मिलने आया थेनोस का ब्रदर इरोस, जिसके साथ था उसका ट्रोल कंपेनियन पिप, जिनके हिसाब से उन्हें पता है कि अरिशम से वो बाकी इटर्नल्स को बचा के कैसे ला सकते हैं। एंड वहीं थर्ड पेंडिंग चीज दिखी हमें एबनी ब्लेड के साथ, डीन विटमैन के सामने ही उसकी गर्लफ्रेंड सर्सी को उठा के ले जाया गया, जिसे बचाने के लिए वो उठाने जा रहा था एक डार्क वेपन एबनी ब्लेड, लेकिन उसे वो करने से पहले ही रोक दिया एक आवाज ने, जो कि थी एमसीयू में दिखने वाले ब्लेड की। अब डीन विटमैन कॉमिक्स में ब्लैक नाइट बना है, जो ऑफकोर्स हमें एमसीयू में फ्यूचर में होते हुए दिखेगा। तो इन तीनों पेंडिंग चीजों का आंसर हमें मिलेगा इटर्नल्स के सेकंड पार्ट में, जो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से पहले ही होना चाहिए। एंड बची बात उस आवाज की जो ब्लेड की थी, उसकी एंट्री होगी एमसीयू में फेज 5 की लास्ट मूवी ब्लेड से। अब आती है बारी एमसीयू के फेज 4 की बेस्ट मूवी की, स्पाइडरमैन नो वे होम। इस मूवी से 2 पेंडिंग चीजें अभी भी बाकी है। एक तो ऑफकोर्स स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर का फ्यूचर, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद सभी उसे भूल चुके हैं, एंड क्योंकि उसकी फैमिली मेंबर्स में और कोई नहीं बचा तो शायद सिर्फ अवेंजर्स ही है जो स्पाइडरमैन को जानते हैं। तो ऐसे में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का फ्यूचर क्या होगा? ऑफकोर्स बहुत सारे रूमर्स के हिसाब से स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी फिर से आनी है, एंड अगर सभी चीजें ट्रैक पे रही तो 2025 में हमें स्पाइडरमैन का 4th पार्ट भी देखने मिल ही जाएगा। लेकिन इसके अलावा स्पाइडरमैन नो वे होम का एंड क्रेडिट सीन, जहां पर हमें दिखाता है एडी ब्रॉक वेनम के साथ एक बार में ड्रिंक्स करते हुए, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल से जब सभी लोग ट्रांसपोर्ट हो गए अपने अपने यूनिवर्स में, तो एडी वेनम के साथ वापस चला गया उसके यूनिवर्स में, लेकिन वेनम का एक छोटा सा पार्ट यही रह गया एमसीयू में। अब अगर स्पाइडरमैन 4 में वेनम को भी इंक्लूड किया जाता है तो हमें स्पाइडरमैन का ब्लैक सूट भी देखने मिल ही जाएगा। नेक्स्ट है मून नाइट, जो मेरे हिसाब से माइंड ब्लोइंग था अगर बाकी सभी शोज को कंपेयर किया जाए तो। एंड एज एक्सपेक्टेड इस शो की एंडिंग में मून नाइट की वो थर्ड पर्सनालिटी यानी कि स्टीवन ग्रांट और मार्क स्पेक्टर के अलावा तीसरा जेक लॉकली भी दिखाया गया, एंड जेक लॉकली वो काम करता दिखा एंड में जो मार्क और स्टीवन नहीं कर पाए। लेकिन इस शो की एंडिंग फिर क्वेश्चन छोड़ गई कि मून नाइट को हम फ्यूचर में किसी सीरीज या फिर मूवी में केमियो करते हुए देखेंगे भी या नहीं। एंड हालांकि मून नाइट के सीजन 2 की बात चल रही थी, लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्मेशन एमसीयू की तरफ से नहीं है, तो के लिए इस कैरेक्टर की एंडिंग यहीं पे फंसी रह जाएगी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की एंडिंग डबल साइडेड रही, यानी कि एक तरफ दिखाया गया डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर डार्क होल्ड बुक का असर, तो वही एंड क्रेडिट्स में एक डार्क डायमेंशन की सॉसरर क्लेया उसे ले गई अपने साथ, एंड लेटेस्ट रूमर्स के हिसाब से वो उसे लेके जाएगी मल्टीवर्सल ऑर्गेनाइजेशन के पास, जो स्टॉप करने की कोशिश करेंगे इनकर्जन्स को। अब ऑब्वियसली ये सारी डिटेल्स हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के थर्ड पार्ट में ही कंक्लूड होते हुए दिखेगी। एंड फिलहाल तो डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड मूवी की अनाउंसमेंट नहीं आई है, बट आई एम श्योर कि एमसीयू के फेज 6 में हमें ये थर्ड पार्ट जरूर देखने मिलेगा। अब सेकंड लास्ट डिज्नी प्लस शो मिस मार्वल, जिसके एंडिंग में कमाला खान यानी कि मिस मार्वल स्वैप होती दिखी कैप्टन मार्वल कैरल डेनवर्स के साथ, एंड उस टाइम भी हमने ये अंदाजा लगा लिया था कि उनकी पावर सिमिलर होने की वजह से वो स्वैप हो रहे हैं। लेकिन अब द मार्वल्स का ट्रेलर ऑलरेडी आ चुका है एंड मूवी भी इसी साल के एंड में रिलीज होगी, तो मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट के आगे की डिटेल्स हमें पता चलेगी द मार्वल्स मूवी से ही।
फेज 4 की सेकंड लास्ट मूवी थॉर लव एंड थंडर ने तीन चीजें पेंडिंग रखी है। एक तो मूवी के एंडिंग में गौर की बेटी जिसे एटर्निटी ने फिर से जिंदा किया, जो थॉर ने अडॉप्ट कर लिया है जिसे हम जानते हैं लव के नाम से, उसकी सुपर पावर्स आखिर है क्या और वो हमें फिर से कहां देखने मिलेगी। सेकंड थिंग, जेन जो मूवी में बनी लेडी थॉर लेकिन एंड में वो अपनी बीमारी की वजह से मारी गई, बट पोस्ट क्रेडिट्स में हमने उसे जाते देखा वल्हला, जहां पे उसे वेलकम किया हाइमडाल ने। अब यहां से बहुत सारे स्पेकुलेशंस आ सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से जेन की कहानी यहीं पे खत्म है फिलहाल के लिए। लेकिन थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, गॉड वर्सेस गॉड यानी कि थॉर वर्सेस हरक्यूलिस। मूवी की एंड क्रेडिट्स में हमें देखने मिला कि ज़ूस अभी भी जिंदा है और उसकी चोट तो हील हो रही है, लेकिन अब वो खुद लड़ने की जगह भेजेगा अपने बेटे हरक्यूलिस को थॉर से लड़ने के लिए। अब कॉमिक्स में थॉर और हरक्यूलिस फाइट करते जरूर दिखे हैं लेकिन वो दोनों ही सुपर हीरोज थे, एंड थॉर वर्सेस हरक्यूलिस की लाइव एक्शन बैटल देखने में मजा जरूर आएगा, बट एमसीयू के मल्टीवर्स सागा में फिलहाल इस मूवी के लिए जगह नहीं है। तो अगर ये दिखाया जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद ही होगा। डिज्नी प्लस का लास्ट शो शीहल, जिससे लोगों को इतनी एक्सपेक्टेशंस तो थी ही नहीं, बट ये शो देखने में मजा जरूर आया। लेकिन इससे जो एंडिंग बाकी रह गई है वो शीहल यानी कि जेनिफर वॉल्टर से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो रिलेटेड है उसके ब्रदर ब्रूस बैनर से, स्पेशली ब्रूस बैनर के बेटे स्कार से, जिसका काफी बुरा सा CGI लुक हमें दिखाया गया था क्लाइमैक्स एपिसोड में। अब MCU के फ्यूचर में हम वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी जरूर देखना चाहते हैं, एंड अगर स्कार की स्टोरी हमें आगे दिखाई जाती है तो वो उसी मूवी में होगी। लेकिन जस्ट लाइक थॉर के फिफ्थ पार्ट के, वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी का प्लॉट भी फिलहाल इस मल्टीवर्स सागा में नहीं बन सकता है। तो इस स्टोरी की कंटिन्यूटी और इसका कंक्लूजन मोस्ट प्रोबेबली हमें मल्टीवर्स सागा के बाद यानी कि MCU के फेज 7 में ही देखने मिलेगा। एंड फाइनली फेज 4 की लास्ट मूवी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, जिसमें हमने न्यू ब्लैक पैंथर बनते देखा टचाला की सिस्टर शुरी को। लेकिन मूवी की एंडिंग हिंट दी गई कि फ्यूचर में न्यू ब्लैक पैंथर कोई और ही बनेगा, एंड वो होगा शुरी का नेफ्यू यानी कि टचाला और नाकिया का बेटा टूसॉन, जो खुद अपना नाम बताता है प्रिंस टचाला। अब ऑब्वियसली ये प्रिंस टचाला इतनी जल्दी बड़ा नहीं होने वाला, तो फ्यूचर अवेंजर बैटल्स में जब भी ब्लैक पैंथर की जरूरत पड़ती है तब हमें शुरी ही दिखेगी उस रोल में। लेकिन अगेन अवेंजर सीक्रेट वॉर्स की इवेंट के बाद इस मल्टीवर्स सागा के कंक्लूजन के बाद फ्यूचर में हम एक मेल कैरेक्टर प्रिंस टचाला को न्यू ब्लैक पैंथर के रूप में जरूर देख पाएंगे। तो ये थे MCU के फेज 4 के वो सभी पेंडिंग एंड क्रेडिट्स और एंडिंग्स। एंड ये वीडियो एंड करते टाइम मैंने रियलाइज किया कि अभी MCU के फेज 3, 2 और 1 में भी बहुत सारे पेंडिंग एंड क्रेडिट्स रहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उनको भी रिव्यू करूं तो कमेंट्स में लिख के बताना। तब तक एंड स्क्रीन से ये रेकमेंडेड वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, एंड वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।